दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मेल्स वगैरह का भी सिलसिला होता है, तो मेल्स पर भी इस तरह के सवाल आते रहते हैं सही। कि बगैर गवाहों के हमने निकाह कर लिया और जो शादी के बाद होते हैं काम वो काम भी होते बिल्कुल रहे, सही तो आया इसका क्या होगा? सही तो यानी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं इल्मे दीन से दूरी की वजह से सही जो निकाह के शराइत हैं उनका भी लिहाज नहीं रखा जाता सही और इंसान जो है वो अपने हवस की तकमील में लग जाता है। सही तो निकाह बगैर गवाहों के मुनाकिद नहीं होता, सही यानी अगर मर्द औरत तन्हाई में एक दूसरे को कि मैंने तुम्हें अपने निकाह में लिया, उसने कहा मैंने कबूल किया, इस तरह इजाब कबूल के जो अल्फाज हैं अगर बगैर गवाहों के वो एक दूसरे से कह देते हैं तो इस तरह कह देने से वो निकाह नहीं हो जाता। गवाह तो गवाह भी मिलना तो मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर जिस तरह की हालत है। हाँ देखें, गवाह मिलना भी मुश्किल नहीं है, दोस्त यार और इस तरह हाँ के बहुत सारे ग्रुप बने हुए होते हैं सही जो दोस्तों का सिलसिला चल रहा होता है, निकाह भी हो जाता है, सही बल्कि ऐसे में यूं कहें कि काजी साहिबान भी मिल जाते मिल हैं। जाते हैं। आम फीसों के मुकाबले में इसमें फीसें वो डबल ट्रिपल भी रखते हैं। सही तो असल में देखें बेहयाई का दौर है, लड़की को अपनी इज्जत का की कोई परवाह नहीं, अपने माँ बाप की इज्जत की इज्जत का, कोई अपने परवाह खानदान नहीं, की अपने इज्जत का। खानदान को मलिया मेट करके जा रही होती है और कुछ ही दिन में वापसी भी इस अंदाज में आती है कि घर वाले भी उसको क्या कबूल इज्जत देंगे। अब सही मुआशरे में माँ बाप का नाम उन्होंने बदनाम कर दिया होता है, तो बहुत सारे ऐसे भी वालदे ने जो इस सदमे से बेचारे मौत के घाट उतर जाते हैं, सही बात है। सदमा ले लेते हैं। तो इस तरह जो भाग कर या भगा कर निकाह किए जाते हैं शरण इसकी इजाजत नहीं नहीं है, है कि इसमें वालदेन की खुली दिल आजारी है। सही तो इस सूरत में ऐसे लड़के लड़कियां वो कितने गुनाहगार होते हैं, इस सब सोचना चाहिए। और दूसरा ये कि अफसोस होता है उन निकाह पढ़ाने वालों पर भी कि जो मतलब चंद हजार रुपए फीस के, यार ऐसे निकाह में फीसें ज्यादा मिलती हैं तो ऐसे निकाह पढ़ाने में बिल्कुल दरेग नहीं करते, उन खूब निकाह पे निकाह पढ़ाते हैं और बाकायदा वो मशहूर भी होते हैं। माज़ अल्लाह, मैं एक चोट लगाने के लिए चोट कहता हूँ की जो बात कि है। कोई उनकी बहन को ही भगा के लाए, काजी साहब से कहे, उसको क्या पता कि काजी कुछ भी एक बात है, सही तो काजी साहब के निकाह पढ़ाएंगे? सही नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसे में इन काजी साहिबान को भी चाहिए कि अरेंज मैरिज हो। सही अरेंज मैरिज का मतलब यह है कि बाकायदा लड़की और लड़के दोनों तरफ के वालदेन सरपरस्त ये इस निकाह पे राजी हों, लड़की इज्जत के साथ रुख्सत हो, सही ऐसे निकाह पढ़ाएं, सही भगाए हुए निकाह ना पढ़ाया करें, कि इसमें ये भी बहुत बड़ा सबब बनते हैं इस तरह के निकाह पढ़ाने के हौसला हवाले से। शिकनी होनी चाहिए। हौसला शिकनी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कि इस मामले में चूंकि आपको पता है कि ये इस तरह निकाह जो हो रहा है ये शरण जायज़ नहीं है, सही इसकी इजाज़त नहीं है, सही अगरचे बाद सूरतों में मुनक्किद हो जाएगा सही लेकिन इस तरह भगा कर निकाह करना जायज़ नहीं है।